मियाँ जी किया अब इसको फिर दोबारा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये जो व्यूज़ मैंने आपको दिखाए और ये मज़ीद दिखा रहा हूँ, इन्हें मैंने कुछ एडिट भी किया है। ये 3 तारीख और 4 तारीख की मरी की करंट सिचुएशन है और ये मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, छोटे छोटे व्यूज़ में आपको दिखा रहा हूँ। और ये दिखाने का मकसद ये है, इसकी दो बातें थी। एक तो ये कि मरी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये आपके आगाही के लिए इन वीडियोस को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और दूसरी बात ये थी कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी और कुछ चैनल्स पे भी मैंने देखा कि जी वहाँ मरी में जो इंतज़ामिया है, सबसे ज़्यादा जो कहा जाता है एलिगेशंस लगाई जा रही हैं वो ट्रैफिक पुलिस पे लगाई जा रही हैं। तो मैंने इसके स्टार्ट में ही आपको कुछ ट्रैफिक पुलिस के जो अहलकार हैं, रावलपिंडी से भी इस वक्त वहाँ गए हुए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। और ये भी एक बात है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है रावलपिंडी की, मरी की, इनमें बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे दोस्त भी हैं और कुछ हमारे जानने वाले भी हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब हमारे ही पाकिस्तानी हैं। जितनी शदीद ठंड में हम लोग मरी सैर करने के लिए जाते हैं, अभी आप ये देखें शदीद बर्फ़बारी के मनाजिर में आपको दिखा रहा हूँ, गाड़ियों की सिचुएशन, लोगों का चलना फिरना, तो ये क्राउड सारा हम वहाँ गए हुए हैं, गाड़ियाँ हम लेके गए हुए हैं। तो ये जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं, ये सफाई का अमला है, ये जितनी हद तक हो रहा है ये अपने काम को सर अंजाम दे रहा है। तो इसलिए कुछ हमारे माजरत के साथ मैं कहूँगा कि आप हर बात पे दूसरों को क्रिटिसाइज़ ना किया करें। मैं सबको नहीं कह रहा, जो लोग ये बातें सोशल मीडिया पे कर रहे हैं और मेरी वीडियोस जो देख रहे हैं, तो वो ज़रूर जो हैं वो आप इस बात को भी मद्देनज़र रखें कि मरी में टोटल जो मैंने इंतज़ामिया से मेरी बात हुई और कई सालों से ये सिचुएशन चल रही है, वो 5,000 गाड़ियों की मैक्सिमम पार्किंग है। 5,000 गाड़ियाँ अगर खड़ी हो जाएं तो फिर भी सड़कों के किनारे उनको रोड वन वेज करके और एक साइड पर ट्रैफिक लगानी पड़ती है और एक रास्ता खुला रखते हैं उसको, वो फिर वन वे, ज़्यादा रूट्स को वन वे कर देते हैं ताकि ट्रैफिक की रवानी में खलल ना पड़े। लेकिन हम लोग जो हैं अंधाधुंध सब लोग जा रहे हैं मरी और धड़ाधड़ जा रहे हैं और ये चीज़ गौर नहीं कर रहे कि क्या हमारी गाड़ी इस काबिल है। मेरे पिछली वीडियो में आप देखें तो आपसे इंतज़ामिया रिक्वेस्ट कर रही है कि जी आप फोर व्हील जो गाड़ियां हैं, फोर व्हील ड्राइव्स जिनको कहते हैं, अगर आते भी हैं तो उन पे आएं और अपनी गाड़ियों के टायरों के लिए जो स्पेशल चेन मिलते हैं वो उस एरिए में आके स्नोफॉल पे, बर्फ़ पे चेन लगाने पड़ते हैं, तब गाड़ी चलती है, वरना ये फिसलन के बायस बहुत सारे हादसात का सबब भी बनती हैं। आपने वीडियो के स्टार्ट में भी देखा, इंतज़ामिया से जितना हो रहा है वो उसको कवर कर रहे हैं और मैं जनाब और आप आज मिलकर हम मरी में हमारी ये जो इंतज़ामिया काम कर रही है आज चले इनको अप्रिशिएट करते हैं। आपने स्टार्ट में वीडियो देखी और अभी भी आप ये देख रहे हैं कि मरी में, ये मैं आपको 2 दिन की सूरत हाल दिखा रहा हूँ,
तीन तारीख की और चार तारीख की। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग आए हुए हैं और माशाल्लाह दुनिया आई हुई है। अच्छी बात है, चले टूरिज़्म स्पोर्ट होती है, लेकिन इस टूरिज़्म के साथ साथ हम ये भी थोड़ा सा ख्याल करें कि यहाँ सिचुएशन क्या है। ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं शदीद जो है, ये चार तारीख की जो बर्फ़बारी है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़बारी और मुसलसल होती रही है। और ये सारी वीडियोस दिखाने का आपको मकसद भी यही है कि आप आएँ, मरी ज़रूर आएँ, एहतियात करें। और यहाँ जो इंतज़ामिया है ड्यूटी दे रही है, वो इस शदीद ठंड में मेरी कुछ थोड़ी सी बात हुई तो कहना तो नहीं चाहिए, मैं तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ, सलूट करता हूँ कि वो 8 घंटे की बजाय 12 से 14 घंटे इस बर्फ़बारी में रोडों पर खड़े होकर ड्यूटी दे रहे हैं। हम आप तो इंजॉय करने जाते हैं, इन खूबसूरत मनाजर को देखते हैं और इसका मज़ा लेते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, एक दूसरे पे बर्फ़ फेंकते हैं, इंजॉय करते हैं, और घंटा 2 घंटे 3 घंटे करके फिर हम होटल्स रूम्स या अपने आप को जिस्म को गर्म करने के लिए माकूल बंदोबस्त की तरफ जाते हैं। जबकि ये हमारे साथी, हमारे दोस्त मुसलसल मेहनत कर रहे होते हैं और इनकी कोऑपरेशन भी आपने देखी स्टार्ट में वीडियो में, उसको एक दफ़ा फिर लाजमी पूरा देखें उस वीडियो को भी, कि वो किस तरह से अपनी जितने, इसको हम यूँ कहते हैं कि अपने तई जितनी कोशिश कर सकते हैं कर सकते हैं, तो वो कर रहे हैं। तो ये हमें उनके साथ तआवुन करना है जी, और मज़ा करें। ये देखें आप वीडियोज़ में देख रहे हैं, लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इन वीडियो में लोगों को देखने की बजाय थोड़ा सा नीचे सड़क की तरफ ध्यान दें, गाड़ियों की तरफ देखें, तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि ये बर्फ़ जो होती है ये जब नीचे गिरती है तो सड़क के ऊपर ये बुरी तरह से जम जाती है, शीशा बांध जाती है। जब इसके ऊपर गाड़ियाँ आती हैं, पैदल लोग आते हैं तो स्लिप होते हैं, गिरते हैं। इसलिए अगर आप मरी आते हैं तो अपना माकूल बंदोबस्त, गर्म लिबास, गाड़ी 4-व्हील ड्राइव होनी चाहिए, प्लस आप जूते भी ऐसे पहने कि जो पिसलन ना करे, स्लिप ना हो। अदरवाइज़ बर्फ़ पे गिरना कहने को बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्चर होने का भी ख़तरा होता है। ये देखिए आप गाड़ी के ऊपर आप देख रहे हैं, ये बर्फ़बारी की ये सिचुएशन है कि जिधर गाड़ी 1 घंटा 1.5 घंटा खड़ी हो गई तो फिर वहाँ से वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो जिन लोगों ने वापस भी आना होता है तो वो ये कोशिश करें कि वो कम से कम जो है इस एरिया में स्टे करें, गाड़ी स्टार्ट रख के जितना जल्दी इस एरिया से निकल सकते हैं। और ये जो स्नोफॉल के मैं आपको मरी बाज़ार में मनाजर दिखा रहा हूँ, ये बर्फ़ की सूरत हाल है।